कोरोना ने एक परिवार पर कहर बनकर बरपा है। परिवार द्वारा समुचित व्यवस्था देने के बावजूद भी डॉक्टर की लापरवाही ने कोरोना से संक्रमित मरीज की जान ले ली। 16 तारीख को धनबाद थाना क्षेत्र के लुबी सर्कुलर रोड स्थित निवासी ने अपनी 55 वर्षीय वृद्ध माँ को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले के नामी ग्रामी हॉस्पिटल अशरफी में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से और समय रहते ऑक्सीजन न मिलने के कारण वृद्ध महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजन की मां ने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का 3 डोज लेकर डॉक्टर को दिया, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने महज 1 डोज लगाकर 2 डोज बचा दी, जिससे मरीज की जान चली गई। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब विजिट में जांच करने आए डॉक्टर ने मरीज को वेंटिलेटर चढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन जब डॉक्टर दोबारा मरीज को देखने गए तो मरीज को वेंटिलेटर नहीं चढ़ाया गया था, उसी समय मरीज की मौत हो गई। इस दौरान मरीजों ने जिले के उपविकास आयुक्त श्री दशरथ चंद्र दास को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं हंगामे की सूचना पाकर सदर थाने की पुलिस अपने दलबल के साथ अशरफी अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस के साथ परिजनों की जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। परिजनों का आरोप है अशरफी अस्पताल का ये आलम कोई नया नहीं, उनके लिए किसी भी मरीज की जान लेना आम बात बन गई, लेकिन इस विकट परिस्थिति में जिला प्रशासन को जरूरत है ऐसे अस्पतालों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि इस कोरोना काल में डॉक्टरों की लापरवाही किसी की बेवजह मौत का कारण न बने। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। आप लोग जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, आपका जो कोविड जो पेशेंट को मरा, क्या किस वजह से हंगामा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हंगामा क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ का पूरा ढीला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन हमने जुगाड़ किया रेमडेसिविर 2 भाई जुगाड़ किया, जो कि इस मतलब पूरे झारखंड में अवेलेबल है, लेकिन आपको आम पब्लिक को कहीं नहीं मिलेगा। अशरफी हॉस्पिटल हाथ खड़ा कर दिया कि मेडिसिन लाएंगे तभी जान बचेगा। हमने पूरा जीवन का जितना भी पैरवी था, हर एक जगह मिनिस्टर से सब जगह बात किया, लास्ट में हमको मदद मिली मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, बन्ना गुप्ता सर से। उन्होंने रात के 2:30 बजे हमको 2 भाई जुगाड़ किया, जो कि मैंने ला के दे दिया यहाँ पे, क्योंकि कोविड वार्ड है, हमको अंदर जाने दिया नहीं। अब भाई लगा नहीं लगा हमको मालूम नहीं, बस उधर से आंसर आया कि हाँ भाई लगा दिया गया है। फिर क्या हुआ कि सुबह भी यही बोला गया कि एक ही भाई लगा है, एक भाई और लगाना है, तो हम बोले कि 2 भाई दिए हैं तो एक भाई और लगा दीजिए। हम उनको ये भी बोले कि 2 भाई एक टाइम में लगता है, तो नहीं नहीं एक बार में एक ही लगता है। हम बोले कि हर जगह से तुमको यही खबर मिला कि पहला भाई में टाइम में 2 भाई लगेगा। ये हुआ लापरवाही पहले वहाँ, जब जाए जब रीडिंग के लिए पूछे तो आप लोग परेशान मत कीजिए, मत परेशान कीजिए, पेशेंट बढ़िया है, सोया हुआ है। अब पेशेंट के पास हमने एक छोटा सा फोन दिया था, जिस पे फोन करके वो पूरा बहुत तकलीफ में रहती थी, तभी फोन करती थी हमको। लास्ट में सिचुएशन इतना खराब हो गया कि डॉक्टर सूरज चौहान ने हमें बोला कि इनको वेंटिलेशन की जरूरत है, आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो कीजिए, हमारे पास एक है जो कि जयप्रकाश सिंह को मिलेगा, उनको तैयारी कर रहे हैं उनको देने के लिए। हम बोले कि सर कुछ भी कीजिए लेकिन करवा दीजिए, तो कहीं लेके चल जाना, लेके चलिए। हमने सर इस हालत में पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे? तब वहाँ अशरफी में अनुज पांडे, विक्रम सिन्हा और संजय सिंह तीनों अचानक से आगे भगवान के रूप जैसा, और ऐसा मतलब ऐसा फिल्म वहाँ पर बनाए कि हम उनका बेटा है, हम वेंटिलेशन का जुगाड़ करेंगे। तो वेंटिलेशन समय पे नहीं चढ़ाया गया? समय पे तो चढ़ाया नहीं गया, प्लस में 15 मिनट में एक वेंटिलेशन का जुगाड़ किया गया, और हमारे सामने फार्मेसी से जाके वेंटिलेशन के लिए जितना भी पाइप वगैरह है वो सब कुछ खरीद के लाए हैं, हमारे सामने गए हैं और बोल रहे हैं कि बस 15 मिनट रुकिए, आपका पेशेंट को वेंटिलेशन लग जाएगा। ठीक है, जब गए हम वहाँ पे तो आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए हमको, हमको पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करने दीजिए। हम बोले ठीक है मैडम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय दिए। हमारे बड़े भैया जाके उनसे पूछे कि आप पेशेंट का क्या हालचाल है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ। अब रात को हमको 11:30 बजे अचानक से फोन आता है, हम लोग तो निश्चिंत में थे कि वेंटिलेटर लग चुकी है उनको, और जब हम 11:30 बजे हमको फोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं बचा माधुरी सिंह, तो हम बोले कि क्या हो गया अचानक? हम लोग दौड़ के ऊपर जब कोविड वार्ड में गए हैं तो हम जब माँ को अपना देख के तो हम विचलित हो गए, और माँ के पास हम चले गए। हो रहा था उस पे क्या कुछ आप सब इंस्पेक्टर आप तो दे ही सकते हैं, बस जो जानना है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था क्या वारदात थी? सर पिछले 2 घंटे से यहाँ पे हो गया। हाँ, हम पिछले 2 घंटे जी जी ठीक ना, हम उसके लिए ऑथराइज नहीं। ठीक, निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।